हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है करियर गुरुजी के एक नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बीएड और बीटीसी या बीपीएड में क्या डिफरेंस होता है, तो इन सब के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि सरकारी जॉब फंड.com सरकारी नौकरी खोजने के लिए सबसे अच्छी वेबसाइट है। इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, हम बात करते हैं कि बीएड, बीपीएड और बीटीसी क्या होते हैं और इन तीनों में डिफरेंस क्या क्या होता है। देखिए दोस्तों, अगर बीपीएड की बात करें तो इसका मतलब होता है बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन। बीएड की बात करें तो बैचलर इन एजुकेशन। बीटीसी की बात करें तो बैचलर डिप्लोमा ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, बैचलर इन ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। यह एक तरह का बीटीसी जो है, इसका नाम बदल के अब कर दिया गया है BELED। तो बीपीएड का मतलब जो आप टीचर बनेंगे, जो फिजिकल एजुकेशन मतलब कि आप खेल कूद के टीचर बनते हैं। बीएड में जो आप टीचर बनेंगे वो खेल कूद के नहीं बनेंगे ऐसे पढ़ाने के लिए, और बीटीसी में भी टीचर बनेंगे वो भी खेल कूद के नहीं बनेंगे ऐसे पढ़ाने के लिए। अब देखिए, ये दोनों जो कोर्सेज हैं, बीपीएड और बीएड, दोनों ग्रेजुएशन लेवल के कोर्स होते हैं, जो एक डिग्री कोर्स होता है, जबकि DELED या BTC एक डिप्लोमा कोर्स है, एक ट्रेनिंग कोर्स है। देखिए, बीपीएड करने के लिए आपको सबसे पहले या तो 12th पास हो या ग्रेजुएशन हो, दोनों तरह से आप कर सकते हैं। यदि आप 12th पास हैं तो आपको 3 साल का बीपीएड का कोर्स करना पड़ेगा। यदि आप ग्रेजुएशन हैं तो आपको 1 साल का बीपीएड का कोर्स करना पड़ेगा। और आपको 12th में या तो ग्रेजुएशन में आप फिजिकल एजुकेशन लिए हों एज अ सब्जेक्ट, तभी आप बीपीएड कर सकते हैं। वही बीएड करने के लिए आपको 2 साल का कोर्स करना पड़ेगा, वो भी ग्रेजुएशन के बाद। इसे आप डायरेक्टली 12th के बाद नहीं कर सकते, तो बीएड को करने के लिए आपको ग्रेजुएशन के बाद बीएड का कोर्स करना पड़ेगा। ये 2 साल का कोर्स वर्तमान में है। वही DELED करने के लिए आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी होगी। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद यह भी 2 साल का एक डिप्लोमा या ट्रेनिंग कोर्स होता है, तो इसे भी आप कर सकते हैं। अब तीनों कोर्स करने के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट होती हैं। सबसे पहली बात, बीपीएड का जो कोर्स होता है वो कहीं कहीं जो है एंट्रेंस पे होता है, कहीं कहीं मेरिट पे होता है। आपका जो एडमिशन होता है बीपीएड में, एंट्रेंस पे कहीं कहीं होता है, कहीं कहीं मेरिट पे। बीएड में भी एंट्रेंस कराए जाते हैं, आजकल लगभग कंपलसरी हो गया है एंट्रेंस। जो भी बीएड को कोर्स करा रहा है, एंट्रेंस लेके बीएड में आपका एडमिशन होता है। वही DELED के में जो है मेरिट के बेस पे होता है, जो 10th 12th और ग्रेजुएशन की मेरिट के बेस पे आपको DELED में एडमिशन मिलता है। अब तीनों कोर्सेज में फायदा किसमें है तीनों कोर्सेज को करने के। देखिए, सबसे पहले ज़्यादा डिमांड इस समय चल रही है DELED की। क्यों डिमांड है? क्योंकि ये 2 साल का कोर्स है, डिप्लोमा कोर्स है। एक तरह से आपको ट्रेनिंग भी दी जाती है, ट्रेनिंग मतलब टीचर बनने के लिए। और इसकी जो वैकेंसी आती है लगभग 1-2 साल पे आती रहती हैं, और लगभग हर साल वैकेंसी जो है भरी जाती है। कोई इसमें दुविधा वाली बात नहीं रहती, लगभग वैकेंसी फुलफिलमेंट होती रहती है। उसके बाद बीएड आता है, बीएड की वैकेंसी लगभग कई सालों बाद आती हैं। वही इस वैकेंसी में काफ़ी सारी चीज़ें और रिक्वायरमेंट होती हैं, कभी ये वैकेंसी कोर्ट में चली जाती है, कभी कुछ हो जाता है, तो बीएड लोग कम कर रहे हैं इस समय। वही बीपीएड की बात करें तो ये भी एक अच्छा करियर है, क्योंकि आजकल खेल को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो आप यदि बीपीएड करते हैं तो आपके लिए एक अच्छा फ्यूचर होने वाला है, क्योंकि जो है खेल कूद के टीचर्स की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है इस समय, खासकर प्राइवेट जो है गवर्नमेंट स्कूलों में, प्राइमरी और अपर प्राइमरी लेवल के। तो आप बीपीएड कर सकते हैं एक अच्छे फ्यूचर के लिए। अब देखिए, इनमें जो है करने से आपको क्या क्या चीज़ें होंगी और कैसे कैसे वैकेंसीज भरी जाती हैं। देखिए, बीपीएड की जो वैकेंसीज भरी जाती है उसमें जितनी भी वैकेंसीज खाली होती हैं प्राइमरी लेवल के, अपर प्राइमरी लेवल के या जूनियर लेवल के, तो वहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है वैकेंसीज को, तो वहाँ पे नोटिफिकेशन जारी होता है, तो आप फॉर्म भरते हैं। फिर जो बीपीएड में जो वैकेंसी जो आती है उसमें जो सिलेक्शन होता है टीचर बनने के लिए, इसमें आपको मेरिट के बेस पे होता है, जिसमें आपके 10th की 12th की ग्रेजुएशन की और बीपीएड की मेरिट जोड़ी जाती है आपको टीचर बनने में। हालांकि अब TET भी होने वाला है बीपीएड वालों के लिए भी, तो अभी तक नहीं हो रहा है, तो शायद आगे हो या ना हो ये दूसरी बात होगी। वही बीएड की बात करें, यदि आपने बीएड कंप्लीट कर लिया है तो आपको टीचर बनने के लिए TET क्वालिफाई करना पड़ेगा, तो आप तभी टीचर बन पाएंगे। बीएड में खासियत यह है कि आप 1 से 5 तक या 6 से 8 तक या 9-10 के भी टीचर बन सकते हैं। वहीं बीपीएड में 1 से 5 तक या 6 से 8 तक या 9-10 के भी टीचर बन सकते हैं। वही DELED में आप 1 से 5 तक के ही टीचर बन सकते हैं, या 6 से 8 तक के, 9-10 के टीचर आप नहीं बन सकते, क्योंकि DELED एक डिप्लोमा कोर्स है और यह 9-10 को
नहीं एलिजिबल करता आपको पढ़ाने के लिए। डीएलएड में कैसे टीचर बने, इसमें भी डीएलएड के लिए जो भी वैकेंसीज खाली होती हैं उसमें भी डीएलएड के लिए अलग अलग नोटिफिकेशन जारी होता है हर राज्य के लिए, तो सिर्फ उसमें डीएलएड वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें किस बेस पे सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन होता है टेट के मेरिट के हिसाब से। यदि आपने टीचर एलिजिबिलिटी टेट या सीट टेट या आपने कम सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई किया है, तो आपको उसकी मेरिट टेट की मेरिट के हिसाब से आपका फाइनल सिलेक्शन होता है कि आपकी कितनी मेरिट बन रही है और कितनी सीटें खाली हैं जो आई हैं वैकेंसीज के लिए। तो ये मैंने ओवरऑल प्रोसेस आपको समझाया बीएड बीपीएड और बीटीसी या डीएलएड के बारे में। शायद आपको सारी चीज़ें पता चल गई होंगी, कोई चीज़ें आपको कन्फ्यूजन में हैं तो आप नीचे कमेंट करिए, मैं आपको रिप्लाई करता हूँ। और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, और sirajofine.com की नीचे लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, आप उसको फॉलो करिए, या sarkarijovefind.com आप इसे गूगल में साइट टाइप कर सकते हैं और इस वेबसाइट पे जा सकते हैं। इस वेबसाइट को जाने से फायदा यह है जो भी सरकारी नौकरी से रिलेटेड वैकेंसी आती है यहाँ पे मिल जाती है, आपको कहीं और खोजने की जरूरत नहीं होती। जो भी एजुकेशन न्यूज़ से रिलेटेड वैकेंसी आती है, एजुकेशन न्यूज़ लेटेस्ट आती है कि जो जो एजुकेशन न्यूज़ में चेंजेस होते हैं यहाँ पे भी मिल जाती है सारी चीज़ें, और यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही, वीडियो को शेयर कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फेसबुक व्हाट्सअप अन्य अकाउंट्स पे, तो ज़्यादा लोगों को पता चल पाएगा। तो फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।